नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो लगभग हम सबके काम आ सकती है। हम लोग मोस्टली अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो ईयरफोन्स भी यूज़ करते हैं, बट ईयरफोन चाहे जितना भी अच्छा हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको रखने की है, और जब उसको हम निकालते हैं तो वो हमें मोस्टली उलझा हुआ मिलता है। तो उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, देखिए अभी मैं आपको एक ईयरफोन दिखाता हूँ जो कि मैंने रखा हुआ था पहले से। अब इसको मैंने निकाला तो फिर भी बेहतर कंडीशन में, नहीं तो कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसको खोलने में। आप ट्रेन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, चलिए ये उलझा हुआ आप जानते होंगे ये प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप जब ईयरफोन रखेंगे तो ये आपको निकालते टाइम में इजिली जो सीधा हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको इस्तेमाल करें और आपको कोई इरिटेशन ना हो। हेडफोन जनरली हम लोग यूं करके यूं घुमा घुमा के रख देते हैं, बट हमें ऐसे नहीं रखना है, हमें सिंपली उसको यूं ऐसे कर्ल बनाते जाना है। अभी आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स होगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं केवल ऐसे ऐसे और ऐसे रख देना है। अब क्योंकि मुझे इसको पैक करना है तो मैं एक टर्न और दे दूंगा और इसमें रख के बंद कर दूंगा। ठीक है, अब जब भी मैं इसको खोलूंगा तो मुझे इसको सुलझाने में उतनी परेशानी नहीं होने वाली है जितनी परेशानी नॉर्मली होती है जब हम नॉर्मली इसको लपेट के रख देते हैं या और किसी भी तरीके से गुंजटा के रख देते हैं। बट इस केस में हमें उतनी परेशानी नहीं होने वाली है। ज़्यादा समय नहीं लगा, बट फिर भी आपको लगा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक आध बार आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको मैं वापस खोलता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और देखते हैं ये कितना उलझा हुआ है। ये देखिए ये एकदम से हमें सीधा मिल गया, एकदम से हमें सीधा मिल गया। और ये बहुत सिंपल सा सलूशन है, बहुत सिंपल सी परेशानी का, लेकिन हम इससे रोज दो चार होते हैं, तो ऐसा करके हम अपना समय भी बचा सकते हैं और मजा ले सकते हैं म्यूजिक का, मूवीज का, जो भी हम करते हैं ईयरफोन के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, हमें मैसेज भेजें आप क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या चाहिए वीडियो में, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।